सो है गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द अवर वाटी चैनल राशन फोटोग्राफी। सो गाइस आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग का ब्लू एंड ब्राउन लाइटरूम प्रीसेट देने वाला हूं, जिसका गाइस आपको यूज करके वन क्लिक के अंदर अपने फोटो में इस तरह कलर टोन यहां पर ऐड कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो वन क्लिक के अंदर आप लोग इस तरह का प्रीसेट को डाउनलोड करना सीखना, तो इस वाला वीडियो को आज आपको लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा डेली इस तरह का न्यू फोटो एडिटिंग आपको देखने के लिए। तो फिर ज्यादा बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपने फोन में गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप लोग सामने कुछ टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, राइट साइड में आप लोग मतलब कैमरे के बगल में ऐड फोटो का ऑप्शन, इस वाला ऐड फोटो के ऑप्शन में आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग कीजिएगा, आप लोग का जिस फोटो का एडिट होना उस वाला फोटो को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा और एक लाइटरूम फिल्टर को भी यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए इस वाला फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लिया, जो कि देख ही सकते हो आप यहाँ पर। और लाइटरूम प्रीसेट को भी यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ इस वाला प्रीसेट को यहाँ पर। और ये वाला प्रीसेट कैसे डाउनलोड करना वो आप लोग वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को गाइज लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। और बहुत लोग गलती क्या करते हैं, मतलब कोई भी फोटो पर क्लिक करते हैं और कॉपी सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करके अपने फोटो पर वो लोग पेज सेटिंग करके फोटो को एडिट करना चाहते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि भाई वो प्रीसेट नहीं रहता है बल्कि वो फोटो रहता है, तो इसलिए आपका फोटो यहाँ पर एडिट नहीं होता है। तो लाइटरूम प्रीसेट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, जो भी प्रीसेट रहता है उसके लेफ्ट साइड मतलब ऊपर में एक रॉ टेक्स्ट लिखा रहता है। तो अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस वाले प्रीसेट पर आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग करिए थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक कर लिए, जो कि ऊपर साइड में होगा। तो इस वाले थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से आप लोग करिए कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा और सभी में आप लोग इस तरह से यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। और सिंपली यहाँ से उसको आप लोग राइट क्लिक करके अपने फोटो पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा और फिर से थ्री डॉट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके यहाँ से इसको आप लोग पेज सेटिंग कर दीजिएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर पेज सेटिंग कीजिएगा तो आपके फोटो के अंदर गाइस वन क्लिक के अंदर यहाँ पर ब्राउन एंड ब्लू कलर टोन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि बिफोर एंड आफ्टर अभी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। और अगर प्रीसेट को अप्लाई करने को अगर आपका फेस या आपका बैकग्राउंड कुछ भी खराब हो जाए तो इसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइव प्रूफ के लिए कुछ और फोटो पर ये वाला मतलब प्रीसेट को यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, बैक के ऑप्शन में क्लिक करके ऐड फोटो के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके यहाँ पर कुछ और फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो गाइज मैंने थंबनेल के अंदर जितना भी फोटो को यहाँ पर दिखाया था सभी को मैंने यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लिया, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो मान के चले मेरे को इस वाला फोटो के अंदर प्रीसेट को अप्लाई करना है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, बैक के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाला प्रीसेट पर एक बार हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर से थ्री डॉट के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके कॉपी सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करके सभी में हम लोग इस तरह से टिक कर लेते हैं। और सिंपल से यहाँ से उसको हम लोग राइट क्लिक करके जिस भी फोटो को मतलब प्रीसेट को अप्लाई करना है उस वाला फोटो पर एक बार हम लोग टैप कर लेंगे इस तरह से, और फिर से थ्री डॉट के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके यहाँ से उसको हम लोग पेज सेटिंग कर देंगे। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमारे फोटो के अंदर वन क्लिक के अंदर इस तरह कलर टोन यहाँ पर ऐड हो रहा है, जो कि बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो आप लोग। तो अब चलिए मैं इस वाला फोटो पर आप लोग को प्रीसेट को यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रीसेट थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से उसको हम लोग डायरेक्ट पेज सेटिंग कर देंगे। बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो गाइज यहाँ पर आप लोग, इस पर भी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमारे फोटो यहाँ पर एडिट हो रहा है, और इस पर भी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो गाइज अब मैं आप लोग का बता देता हूँ कि अगर प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद अगर आपका बैकग्राउंड या आपका फेस यहाँ पर कुछ भी खराब हो जाए तो इसके लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग जिस भी फोटो पर आप लोग को करना है उस वाले फोटो पर आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग कहिए शेयर के ऑप्शन में एक बार टैप करके इस वाले फोटो को आप लोग कहिएगा स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। तो गाइस स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग यहां पर क्या कीजिएगा, आप लोग यहां पर इस वाला ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा तो आपको मतलब बहुत सारे मतलब आप लोग का एक ऑप्शन मिलेगा। आप लोग यहां पर क्या कीजिएगा, एक्शन स्वेट के ऑप्शन पर आप लोग यहां पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा इस वाला ऑप्शन पर। यह ऑप्शन आप लोग का सेवन नंबर टू पर मिलेगा, तो आप लोग इस वाला ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग इस वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपका फोटो यहाँ पर और बेहतरीन तरीके से दिखने लगा, जो कि बिफोर एंड आफ्टर गाइज अभी आप लोग देख ही सकते हो कितना मतलब फीका फीका हमारा फोटो लग रहा था, और इस वाला ऑप्शन को यूज करने के बाद हमारा फोटो कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने फेस को सही करने वाले हैं, जो कि देख ही सकते हो यहाँ पर फेस हमारा कितना रेड हो चुका है। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा पेन के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके टूल इमेज के ऑप्शन पर यहाँ पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा।
और इसका सेचुरेशन को हल्का सा आप लोग माइनस की ओर यहाँ पर कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से, और इसके ब्राइटनेस को हल्का सा आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, और सिंपली यहाँ से इसको आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिएगा आप लोग ऊपर साइड में आप लोग को मतलब एक एरो टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस वाला ऑप्शन के ऊपर आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से व्यू एडिट्स के ऑप्शन में आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग एग्जैक्ट टूल इमेज वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और कुछ इस टाइप से अपने फोटो को आप लोग यहाँ पर जूम कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग एक मास्क का ऑप्शन मिलता है, इस वाला ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक यहाँ पर कर लीजिएगा, और कुछ इस टाइप से फोटो को आप लोग जूम करके अपने स्किन के ऊपर आप लोग इस वाला ब्रश को यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। और अब यहाँ से आप लोग इस वाला मास्क को ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके इसको आप लोग अनहाइड कर दीजिएगा, और अब यहाँ से इसको आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा। अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, फिर से पेन के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिए सिलेक्टेड टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लीजिएगा, और कुछ इस टाइप से अपने फोटो को हल्का सा जूम करके अपने स्किन के ऊपर आप लोग एक सर्कल को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसके ब्राइटनेस को हल्का सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा कुछ इस टाइप से, और इसके सैचुरेशन को हल्का सा आप लोग माइनस की ओर कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। और गज अब यहाँ से सिंपली आप लोग इसको डन कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो एडिटिंग का वर्क यहाँ पर सिंपली कंप्लीट हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो फोटो को सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या कह दिया कि सेव के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके अपने फोटो को आप यहाँ पर गैलरी के अंदर यहाँ पर इजीली सेव कर सकते हैं।